Guys, today once again on my YouTube channel Pharma Hub. I hope you will be fine. Today once again welcome to you on my YouTube channel Pharma Hub. So guys, today we will discuss about manufacturing. So guys, हम बात करेंगे हम manufacturing. So guys, sorry, जो last lecture में मैं बात की थी filling of capsule में वो क्या होगा? वो हमारा topic mistake हो गया. उसमें सबसे पहले मैं बात करनी चाहिए थी manufacturing की और उसके बाद बात करनी चाहिए थी filling of capsule की. तो गाइस इसलिए जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर इसके बात करेंगे हैं उसके बाद आना चाहिए था. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, फिर बात करेंगे फिलिंग की जो हमने लास्ट लेक्चर किया था वो, उसके बाद आएगा फिलिंग ऑफ कैप्सूल. तो आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की. तो आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट लेक्चर में, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी. तो गाइस लास्ट लेक्चर में बात करने से पहले हम पहले मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद हम उसके लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे. तो आगे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की. मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग में जब हम कैप्सूल का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक लेदर का मोल्ड होता है, मोल्ड जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सांचा कहते हैं, उसको हम मोल्ड कहते हैं. तो क्या होता है, जो हमारा मोल्ड होता है जिस साइज का हम कैप्सूल चाहिए उस साइज का हमारे पास मोल्ड होता है. उस मॉडल को क्या करते हैं, उस मॉडल को हम डिप करते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन जिलेटिन का सॉल्यूशन होता है उसमें, जो हमारे पास जिलेटिन का हॉट सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं. तो फिर जो हमारे जितने हमको कैप्सूल की लेंथ चाहिए उतना हम उसको डिप करते हैं. तो फिर उसको क्या करते हैं, थोड़ा उसको फिर कूलिंग कर लेते हैं और कूलिंग करने के बाद हमारा रेडी हो जाता है कैप्सूल. तो ये थी ये प्रोसेस की हमारी कैप्सूल. जैसे मैं इंफेक्शन बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल होता है क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, डिप करते हैं. जो हमारे पास क्या होता है स्मॉल लेदर का बाउंड होता है उसमें क्या डिप करते हैं सॉल्यूशन में, इसमें जिलेटिन के सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं और हमें क्या करते हैं कूलिंग करते हैं. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं मेडिकेशन फिल कर सकते हैं, सील कर सकते हैं. तो ये थी हमारे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस. अब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के बाद फिर हमारे पास आती है वो फिलिंग प्रोसेस आती है, वो हमारे पास फिलिंग की प्रोसेस आती है. तो गाइस इसमें फिर हम बात करेंगे यहाँ क्या साइज ऑफ कैप्सूल. साइज ऑफ कैप्सूल जैसे हमने पढ़ा है कि हमने उससे पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ कैप्सूल पढ़े थे कि मतलब हमारे सिस्टम लेस कैप्सूल्स होते हैं, एंटीकोडेड कैप्सूल्स होते हैं और फिर उसमें उसमें टाइप भी पढ़े थे कैप्सूल्स के जैसे सॉफ्ट जेटिन एंड हार्ड जेटिन. तो इसमें हम बात करेंगे आज साइज ऑफ कैप्सूल के, किस किस साइज के कैप्सूल्स होते हैं. तो साइज हमारे पास कैप्सूल राउंड शेप के साथ कैप्सूल्स होते हैं हमारे पास, और ओवल शेप के होते हैं, ऑब्लॉन्ग शेप के होते हैं और क्या करेंगे और ट्यूब शेप के होते हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या करें साइज एंड ऑफ कैप्सूल एंड शेप की बात कर रहे हैं और शेप्स की बात, और शेप्स की बात कर रहे हैं, शेप भी बन रहे हैं कैप्सूल की शेप. तो कैसे राउंड शेप होता है, ओवल शेप होता है, ऑब्लॉन्ग होता है, ट्यूब होता है, ये सब की शेप होती है कैप्सूल्स की. तो कैप्सूल्स की जो राउंड शेप की जो कैप्सूल्स होते हैं उसमें जो हमारा सबसे छोटा कैप्सूल होता है, सबसे छोटा साइज का शेप का कैप्सूल होता है उसका नंबर होता है 2 और जो सबसे बड़ा होता है उसका नंबर होता है 9. तो ये हमारे राउंड कैप्सूल होते हैं. इसकी साइज क्या होगी, स्फेरिकल होगा, एकदम से राउंड होगा, गोल होगा. फिर नेक्स्ट इज ओवल. ओवल का मतलब क्या होगा, थोड़ा मतलब थोड़ा टिल्ट होगा, अंडे का आकार का होगा. जैसे 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 इसका जो सबसे बड़ा साइज होगा सबसे सबसे छोटा साइज होगा वो होगा 2 और सबसे बड़ा साइज उसका होगा 110, जैसे आप इसे देख सकते हैं आप. फिर बात करते हैं नेक्स्ट ओब्लोंग. ओब्लोंग मतलब जैसे आप जनरली यूज करते हैं कैप्सूल जो हार्ड जेटिन कैप्सूल वो क्या है, वो ओब्लोंग ज्यादातर ओब्लोंग शेप में ही होते हैं. तो उसका जो सबसे छोटा साइज होता है वो होता है 3 और जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है 360, जैसे आप हम जनरली कैप्सूल यूज करते हैं. फिर बात करते हैं नेक्स्ट ट्यूब, जब इस ट्यूब जैसे जो हमारे कैप्सूल होगा क्या ट्यूब फॉर्म होगा, लंबा सा होगा ट्यूब फॉर्म होगा. तो जो उसका सबसे छोटा साइज होता है जैसे 20 साइज होता है, दैट इज 5 एंड द ग्रेटेस्ट साइज इज 480, तो उसकी साइज ये है. तो गाइस ये थी हमारे कैप्सूल की साइज और शेप की बात की. और तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कई लेक्चर में हमने बात की एंटीकोडेड कैप्सूल के बारे में बात की. तो एंटीकोडेड कैप्सूल क्या होते हैं, हमारे जो एंटीकोडेड कैप्सूल वो होते हैं कैप्सूल होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे जो इसका जो एंटीकोडिंग कैप्सूल होता है जो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, ना तो उसका डिसइंटीग्रेशन हमारे स्टमक में होता है और ना उसका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो एसिडिक मीडियम में उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब उसको ऐसे ही करके बनाया जाता है. तो जो उसका हमारे पास एंटीकोडिंग कैप्सूल होते हैं उसका डिसइंटीग्रेशन होता है वो हमारे कहाँ होता है, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में होता है, बेसिक मीडियम में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है. तो उसी को बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब एंटीकोडिंग कैप्सूल को हम कैसे बनाते हैं. जैसे कि हमने क्या किया, कैप्सूल बनाने के बाद जो हमारा कैप्सूल बन के तैयार हो जाता है फिलिंग होने से, तो अब उसको क्या करना है, उसको उस कैप्सूल को हमको एंटीकोडेड बनाना है. तो क्या करते हैं, इसके जो हमारे एंटीकोडेड प्रॉपर्टी की क्या होती है, किस लगाई जाती है, कैप्सूल पर लगाई जाती है, उसमें क्या करते हैं उसमें उस कैप्सूल के जो सॉल्जेटिंग कैप्सूल जाते हैं, जो सॉल्जेटिंग कैप्सूल होता है उसको क्या करते हैं, उसको कोटिंग कर देते हैं किसकी, 4% सेलुलोज एसिटेट थैलेट. सो 4% किसकी, 4% सेलुलोज एसिटेट थैलेट की कोटिंग कर देते हैं उस पर. तो क्या हमारा एंटीकोडेड कैप्सूल रहता है, फिर उसको कूलिंग कर देते हैं और फिर उसकी कूलिंग करने के बाद उसकी हम जो स्कैपिंग करते हैं, क्लोथिंग करते हैं, सफाई वगैरह
पहुंचता है। तो ये थी हमारी क्लासेस की प्रोसेस। तो गाइस इस लेक्चर में ट्राई करते हैं, इस लेक्चर को हम इतना ही करते हैं और इस टॉपिक को जो हमारा क्लासेस चल रहा है उस टॉपिक को हम यहीं पे बाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, इफ यू आर न्यू ऑन माय YouTube चैनल प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ यू वांट टू एनी इंप्रूवमेंट तो यू कैन सजेस्ट। एंड गाइस कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।